हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपूतली। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र के ऑर्गन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम, एक जैविक तंत्र है जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं नोज एंड नोजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। नोज एंड नेजल कैविटी अगर आप हम देखें तो दिस इज द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। गैसियस एक्सचेंज में एयर एंट्री के लिए सबसे मेन रूट नोज है। इसमें दो कैविटीज होती हैं जो कि आपस में सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती हैं। नेजल कैविटी जो है इसकी रूफ एथमोइड बोन के द्वारा बनती है, जबकि इसका फ्लोर जो है वह रूफ ऑफ द माउथ, मुंह की छत के द्वारा इसके फ्लोर का निर्माण होता है। डायग्राम में हम देख रहे हैं द मीडियल वाल, दोनों नेजल कैविटीज जो हैं उनकी मीडियल वाल सेप्टम के द्वारा अलग रहती है, एंड द लेटरल वाल फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला बोन, जबड़े की बोन के द्वारा इसकी लेटरल वाल का निर्माण होता है। इसके रेस्पिरेटरी फंक्शन देखें तो इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। वार्मिंग ड्यू टू द इमेंस वेस्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोसा। इमेंस वेस्कुलरिटी की वजह से यह इस पाथवे को वार्म अर्थात हल्का गर्म रखता है। दिस अकर्स ड्यू टू हेयर्स विच ट्रैप लार्जर पार्टिकल्स, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। इसके अलावा लार्ज पार्टिकल्स को एंड डस्ट पार्टिकल्स को हेयर्स की वजह से फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग करता है। ह्यूमिडिफिकेशन एज एयर ट्रेवल्स ओवर द मॉइस्ट म्यूकोसा इट बिकम्स सेचुरेटेड विद वाटर वेपर। अर्थात यह नेजल कैविटी एंड नोज जो है वह रेस्पिरेटरी पैसेज की फर्स्ट पार्ट को ह्यूमिड यानी नम बनाए रखता है। फेरिंग्स, अगला पार्ट आता है फेरिंग्स। द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट। फेरिंग्स जो है वह गले का वह हिस्सा है जो कि मुंह और नेजल कैविटी के पीछे स्थित होता है, लेकिन अबोव द इसोफेगस एंड द लेरिंग्स अर्थात आहार नाल के ऊपर एंड जो लेरिंग्स है उसके ऊपर का पार्ट फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स को डिस्क्रिप्टिव पर्पज के लिए तीन भागों में डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। द ओरोफेरिंग्स, द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे स्थित ओरल पार्ट ओरोफेरिंग्स कहलाता है। एंड लास्ट इज द लेरिंगोफेरिंग्स, द लेरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स से लेकर लेरिंग्स तक का जो पार्ट है वह लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से नेजल कैविटी यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इस जगह पे यहाँ पर आकर फेरिंग्स में मिलती है, तो यह जो पार्ट है यह नेजोफेरिंग्स कहलाता है, जबकि माउथ से माउथ कैविटी जो है यहाँ पर आकर यह मिलती है और यह पार्ट ओरोफेरिंग्स कहलाता है, जबकि इसके लेरिंग्स से नीचे का जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक यह वाला पार्ट जो है लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। इससे नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे की साइड में ये इसोफेगस है और इससे एंटीरियरली आगे यहाँ पर यह लेरिंग्स और इससे नीचे यह ट्रेकिया स्थित है। लेरिंग्स, द लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग। जो जीभ है इसकी
लास्ट पार्ट से स्टार्ट होता है लेरिंग्स, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स जो है इसके फ्रंट में स्थित होता है। अंटिल द प्यूबर्टी देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द साइज। प्यूबर्टी तक मेल एंड फीमेल के जो लेरिंग्स है इसकी साइज में कुछ डिफरेंसेस होता है। इट ग्रोज लार्जर इन द मेल, मेल में यह थोड़ा बड़ा होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखें लेरिंग्स की, द लेरिंग्स इज कम्पोज ऑफ सेवरल इरेगुलरली शेप्ड कार्टिलेजेस। जो लेरिंग्स है वह कार्टिलेजेस के द्वारा बना होता है और यह कार्टिलेजेस आपस में एक दूसरे से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। कौन कौन सी कार्टिलेजेस होती हैं? वन थायरॉयड कार्टिलेज, एक इसमें थायरॉयड कार्टिलेज एंड वन क्रिकोइड कार्टिलेज एंड टू अरेटिनॉइड कार्टिलेज। अरेटिनॉइड कार्टिलेजेस की संख्या दो होती है जबकि क्रिकोइड और थायरॉयड कार्टिलेजेस संख्या में एक एक पाई जाती हैं। इन कार्टिलेजेस की प्रकृति हाइलिन कार्टिलेजेस हाइलिन प्रकार की होती है। इसके अलावा एक इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेजेस पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेरिंग्स के स्ट्रक्चर में थायरॉइड कार्टिलेज क्रिकोइड कार्टिलेज अरिटिनॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिस मिलकर इसकी स्ट्रक्चर बनाती हैं। थायरॉइड कार्टिलेज दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट पीसेस। थायरॉइड कार्टिलेज में दो पीसेज होते हैं जो आपस में जुड़कर फ्यूज होकर पूरी थायरॉइड कार्टिलेज बनाते हैं और यह है एक इसका एंटीरियर लेरिंग्स का एंटीरियर पार्ट बनाती है जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। क्रिकोइड कार्टिलेज दिस लाइज बिलो द थायरॉइड कार्टिलेज, यह थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे स्थित होती है एंड कंपोज ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अरिटिनॉइड कार्टिलेजेस दीज आर टू रफली पिरामिड शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजेस सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेजेस। जो क्रिकोइड कार्टिलेजेस है उसके टॉप उसका जो ऊपर का चौड़ा हिस्सा होता है उसके ऊपर स्थित होती हैं और ये संख्या में दो होती हैं जो कि पिरामिड शेप्ड होती हैं। एंड लास्ट इज द एपिग्लोटिस, दिस इज ए लीफ शेप्ड फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, यह है एक पेड़ की जो पत्ती की साइज है उस प्रकार की उस आकृति की एक फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेजेज होती है अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज की जो इनर सरफेस है उससे यह जुड़ी हुई रहती है। डायग्राम में देख रहे हैं कि यह आपको यहाँ पे इस तरीके से यह एपिग्लोटिस दिख रही है जबकि यहाँ पर यह आपको यहाँ इस जगह पे यह थायरॉइड कार्टिलेजेस दिख रही हैं। ये इसको ये यहाँ पे थायरॉइड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया और जिसे और विंड पाइप भी कहते हैं इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द लेरिंग्स एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स टू अबाउट द लेवल ऑफ T5 वेयर इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं श्वसन नाल भी कहते हैं यह लेरिंग्स से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ थोरेक्स में नीचे की तरफ जाता है और जो T5 यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री है फाइव नंबर जो थोरेसिक वर्टिब्री है वहाँ तक यह स्थित होता है और उसके बाद में यह लंग्स में जाने के लिए राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। इसकी लेंथ 10 से 11 सेंटीमीटर तक होती है। इसका डायग्राम हम देखें तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये ट्रेकिया आपको ये वाला पार्ट ट्रेकिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे इसोफेगस एंड यहाँ हम देखें तो जो ट्रेकिया जो है ये वाला हिस्सा ये इसकी ल्यूमन है ट्रेकिया की और ये इसके पीछे इसोफेगस है। ट्रेकिया में जो है कार्टिलेजेस रिंग्स जो सी शेप्ड में उपास्थि से बने हुए है कार्टिलेज से बने हुए सी शेप्ड में छल्ले पाए जाते हैं। इसकी मेम्ब्रेन के बाहर सी शेप्ड में आपको ये छल्ले दिखाई दे रहे होंगे ये इस तरीके से। ये
ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया जो है T5 पे थोरेसिक वर्टिब्री, पांचवे नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्री है उस हिस्से तक जाने के बाद में ट्रेकिया डिवाइड्स हो जाती है और प्राइमरी ब्रोंकाई में सेपरेटली उनको ब्रोंकस कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, जो कि उसके बाद में लंग्स में इंटर हो जाती हैं। द राइट ब्रोंकस दिस इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस जो है वह लेफ्ट ब्रोंकस की बजाय कुछ ज़्यादा चौड़ी, छोटी एंड मोर वर्टिकल होती है। इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग इट डिवाइड्स इनटू थ्री ब्रांचेज। राइट लंग में इंटर होने के बाद में यह तीन ब्रांचेज में डिवाइड होकर प्रत्येक लोब में एक ब्रांच चली जाती है। द लेफ्ट ब्रोंकस इज नेरोवर देन द राइट। इसकी लेंथ लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। एंड आफ्टर इंटरिंग द लेफ्ट लंग इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेज, वन टू ईच लोब। ये आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से ये जो ट्रेकिया यहाँ तक आने के बाद में लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, ये प्राइमरी ब्रोंकस कहलाती हैं। एंड द ब्रोंकाई आर कंपोज ऑफ द सेम टिश्यू एज द ट्रेकिया। जिस टिश्यू से ट्रेकिया बनता है उसी टिश्यू से ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकाई का भी निर्माण होता है। दे आर लाइंड विथ सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम। जो ट्रेकिया एंड ब्रोंकस हैं सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम से लाइंड होते हैं। जो ब्रोंकाई हैं ब्रोंकस, ये डिवाइड होने के बाद में लंग्स में ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकियोल्स उसके बाद में और डिवाइड होकर, छोटे होकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, जो कि लास्ट में एल्यूअल डक्ट के द्वारा एल्यूलाई में खुलते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड एल्यूलाई। ईच लोब्यूल इज सप्लाइड विद एयर बाई ए टर्मिनल ब्रोंकियोल्स विच फर्दर सब डिवाइडेड इन टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्यूअल डक्ट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्यूलाई और एयर सेक। प्रत्येक फेफड़े में जो ब्रोंकियोल्स है वह टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होने के बाद में आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और इसकी छोटी और महीन ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि एल्वियोलर डक्ट्स के द्वारा लास्ट में जो एल्वियोलाई हैं जिन्हें एयर सेक भी खोलते हैं इसमें खुलते हैं। अबाउट 150 मिलियन एल्वियोलाई इन द एडल्ट लंग। एक वयस्क व्यक्ति के लंग में लगभग 150 मिलियन तक एल्यूलाई यानी कि एयर सेक्स पाए जाते हैं। इन दीज स्ट्रक्चर्स देट द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज अकर। यह वह संरचना है लंग्स में जहां पर वातावरणीय गैस का बॉडी से एक्सचेंज होता है। एज एयरवेज प्रोग्रेसिवली डिवाइड एंड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर देयर वॉल्स ग्रेजुअली बिकम थिनर। जैसे जैसे एयरवेज आगे बढ़कर डिवाइड होकर छोटा और छोटा होता जाता है, उसकी वाल धीरे धीरे ग्रेजुअली और थिनर पतली होती जाती हैं। दीज डिस्टल रेस्पिरेटरी पैसेज आर सपोर्टेड बाई ए लूज नेटवर्क ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स टेक्स प्लेस इन द एल्यूलाई। जो गैसियस एक्सचेंज है लंग्स में वह एल्यूलाई में ही संपन्न होता है। इन एयर सेक्स एल्यूलाइज के बाहर जो है ब्लड कैपिलरीज का बहुत ही डेंस नेटवर्क पाया जाता है, जिनमें डायग्राम में आप देख रहे हैं इस तरीके से, जहां पर जो एयर सेक्स की मेम्ब्रेन्स जो है वो इतनी पतली झिल्ली होती है कि जहां से इन ब्लड कैपिलरीज में और एयर सेक्स की झिल्ली के बीच में आपस में गैसियस एक्सचेंज संपन्न होता है। अब देखते हैं लंग्स के बारे में। देयर आर टू लंग्स वन लाइंग ऑन ईच साइड। आप जानते हैं कि लंग्स की संख्या दो होती हैं, जो कि थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट एंड राइट साइड में एक एक स्थित होता है। कॉन शेप्ड होते हैं, इनका वेट लगभग 600 से 700 ग्राम के लगभग होता है। इनका कलर जो है वह पिंकिश
यानी कि गुलाबी कलर के होते हैं। देर आर थ्री लोब्स इन द राइट लंग, राइट लंग में तीन सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में दो लोब, सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब पाए जाते हैं। लोब्स आर सेपरेटेड बाई द फिशर, आपस में फिशर के द्वारा सेपरेट होते हैं। द एरियाज बिटवीन द लंग्स इज द मीडियाशिनम, दोनों लंग्स के बीच का जो एरिया है, जो खाली स्पेस है, इसे हम मीडियाशिनम कहते हैं। प्लूरा, द प्लूरा कंसिस्ट ऑफ ए क्लोज शेक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, वन फॉर ईच लंग्स विच कंटेंस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। प्लूरा क्या है कि लंग्स की बाहर की कवरिंग्स होती हैं जो कि सीरस मेम्ब्रेन के द्वारा बनी हुई होती हैं और इसको लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। टू लेयर्स होती हैं, विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा इज एडहेरेंट टू द लंग, लंग से अटैच होती है विसरल प्लूरा एंड कवरिंग ईच लोब एंड पासिंग इन टू द फिशर दैट सेपरेट देम। जबकि पेराइटल प्लूरा दिस इज द एडहेरेंट टू द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वाल, थोरेसिक कैविटी जो चेस्ट वाल है उससे अटैच होती है। विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी पाई जाती है जिसमें सीरस फ्लूड भरा हुआ रहता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है विसरल प्लूरा एंड दिस इज पेराइटल प्लूरा, इनके बीच में यह प्लूरल कैविटी पाई जाती है जिसमें कि सीरस फ्लूड, प्लूरल फ्लूड भरा हुआ रहता है। इसका काम क्या है, प्रिवेंटिंग फ्रिक्शंस बिटवीन देम ड्यूरिंग ब्रीथिंग, श्वसन के दौरान जब फेफड़े एक्सपेंड होते हैं और कंस्ट्रिक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, तो उस दौरान जो है इनको घर्षण से बचाने का काम करता है। एंड द सीरस फ्लूड इज सिक्रीटेड बाई द एपिथीलियल सेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन, जो सीरस फ्लूड है इन दोनों के बीच में वह इनकी जो विसरल और पेराइटल प्लूरा की जो एपिथीलियल मेम्ब्रेन्स हैं इनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ओके देन, थैंक यू।